अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। मेरे लिए भी बहुत गुड मॉर्निंग है, बट ज़रा तकलीफ़ ज़्यादा है, इसलिए पता नहीं मतलब अच्छा तमाम लोगों ने, जितने लोग हैं हमारे, उन सब ने पूछा है और मुझे लगता है कि ना पूछने की वजह से आधा दर्द ख़त्म हो जाता है, लेकिन आधा इतना ज़्यादा है कि बैठा नहीं जा रहा। लिटरली मैं अगर ऐसे जाऊँ तो ऐसे नहीं हो सकता और ऐसे रहूँ तो ऐसे नहीं हो सकता। दैट्स द प्रॉब्लम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तुम लोगों को हंसी आ रही है? अल्लाह ना करे कि तुम्हें इस किस्म की कोई तकलीफ हो। बट वन थिंग आई वांट टू से, आज एक दूसरे रास्ते से मैं आया हूँ तो बड़े मज़े की बात है। हम बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेकिन इधर उधर हर जगह से जाते हैं, रश जमा होता है। बच्चे वही सीखेंगे जो आप उन्हें सिखाएंगे। जब आप अमेरिका के अंदर, जब मैं अपनी बेटी को छोड़ता हूँ स्कूल, तो वहाँ एक लंबी सी लाइन होती है। मुझे सुबह 7 बजे, 7:15 बजे निकलना होता है और उसकी क्लास 8 बजे लगती है, तो आपको उस लाइन के अंदर खड़ा होना होता है। ये आपको पेशेंस सिखाती है। हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो प्लीज़ खुदा का वास्ता अपने बच्चों को वो सिखाएं जो आप उनमें आगे देखना चाहते हैं। अगर आप उनको बेसब्री सिखाएंगे तो इसके बाद उनसे ये एक्सपेक्ट मत करें कि कल को वो बेसब्रे नहीं होंगे, वो बिल्कुल बेसब्रे ही होंगे। तो प्लीज़ लाइन बनाएं, लाइन से चलें, सबका फ़ायदा है। हम सबको देर इसलिए होती है क्योंकि सबको जल्दी होती है। खैर, इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं, ना आपने समझना है ना मैंने कहते हुए रुकना है। इट्स ओके। और मेरे अंदर का आदमी जाग गया है, ये चीज़ें जो हैं इस तरफ उल्टी रखी हुई हैं, बट दैट्स ओके। ऑलराइट जी सर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज जो मनाया जा रहा है वो साफ तवानाई का दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी मनाया जाएगा। अच्छा, साफ तवानाई क्या होती है? क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी क्या होती है? क्लीन एनर्जी बड़ी कमाल होती है जिसके अंदर एमिशंस जो हैं वो नहीं होते हैं। अच्छा, इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि आपका माहौल बेहतर हो जाता है। वैसे तो हम पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं माहौल बेहतर करने की, लेकिन हमारे यहाँ अच्छा, जैसे ये देखें, ये विंड मिल लगी हुई है। ये पाकिस्तान में बड़ी आसानी के साथ लग सकती है। सोलर पाकिस्तान में बहुत आसानी के साथ लगता है, लेकिन हम कभी ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे जाते ही नहीं हैं। इसलिए दुनिया में मनाया जा रहा है, हमारे यहाँ इलेक्शंस मनाए जा रहे हैं, तो दैट्स ओके। आई मीन, आई थिंक इलेक्शन का प्रोसेस ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन इलेक्शन का प्रोसेस ज़रूर होना चाहिए। एंड प्लीज़ इस 8 फरवरी को बाहर निकलें और वोट करें। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर साफ एनर्जी का, क्लीन एनर्जी का दिन मनाया जा रहा है, जिसके अंदर विंड मिल शामिल होती है, सोलर शामिल होती है, और बहुत सारी हाइड्रा शामिल होती है, यानी कि वाटर शामिल होती है। तो इससे बहुत आपको क्लीन एनर्जी मिल सकती है। और पूरी दुनिया में आज इसका दिन है, पाकिस्तान भी इसका दिन मना रहा है, और एक दिन आएगा कि हम ये तमाम चीज़ें खुद से करने लगेंगे। ऑलराइट जी, अब दूसरी खबर पे चलते हैं। दूसरी खबर जो है वो, हाँ, जिन लोगों को गाना गाने का शौक़ है, जैसे हमारे यहाँ मार को बहुत गाना गाने का शौक़ है ना, हाँ हाँ बेटा कोई बात नहीं। और ये जो तू, अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, प्लीज़ मुझे नहीं समझ आती। इधर आना सर 1 मिनट के लिए, प्लीज़ बेटा 1 मिनट के लिए, प्लीज़ 1 मिनट के लिए इधर आ जाओ। इधर यार नदीम अंजुम साहब की तस्वीर निकाल के रखिएगा, आप इधर आए ना। ये क्लीन एनर्जी वाली खबर हो गई है, आगे चलें दूसरी खबर पे जाएंगे, टिकटॉक वाली पे। यहाँ बैठे, बस कुछ मत कीजिएगा, ये इसको पूरा रखें जैसे रखा हुआ था। मैं जब कभी ऐसे लोगों को इस तरह से ड्रेस्ड अप देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इनके अंदर कोई मजनू जागा हुआ है। आई डोंट नो इतना, मतलब क्यों, क्या वजूहत है? इतनी सर्दी लग रही है तुम्हें? बोल दे फैशन है, फैशन है ना। दैट्स इट, आई लव यू फॉर दैट। जाइए सर, अब आपको तो यहाँ बुलाना मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा जी, गुलकारी के शौकीन जो अफराद हैं, जो गाना गाना चाहते हैं, उनके लिए टिकटॉक ने एक नई ऐप जो है वो मुतारिफ़ करवा दी है। और मुख्तसर दौरान की आप वीडियो जो है वो उस पर शेयर कर सकते हैं और अब आप गाना गा सकते हैं। गाने के लिए आपको अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। वैसे तो जब मैंने सुना था, गाना सुनना शुरू किया था, तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े फ़नकार गाया करते थे जिनको किसी ट्यूनर की ज़रूरत नहीं थी, किसी ऐप की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब आप अपना फ़न जो है वो टिकटॉक की इस फ़ीचर के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। टिकटॉक वैसे भी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली ऐप है, तो इसके ज़रिए अगर आपको गाने का शौक़ है और अगर आपको लगता है कि आपके गाने पूरी दुनिया तक पहुँचें और आपको चांस मिले, तो आई थिंक दिस इज़ वंडरफुल। अब दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत छोटी है। बड़ी इसलिए है क्योंकि वाकई दुनिया बहुत बड़ी है, और छोटी इसलिए क्योंकि अब दुनिया में हर जगह आपकी रीच है। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हमने, जहाँ बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं वहाँ बहुत बुरी चीज़ें भी हुई हैं, बट हम बुरी चीज़ों पे फोकस नहीं करते। अच्छी चीज़ें ये हैं कि अब हमने अपनी बाउंड्रीज़ जो हैं वो ख़त्म कर दी हैं। हमारी बाउंड्रीज सरहदों की नहीं है, मुल्कों की नहीं है। अब हमारी जो प्लानट की बाउंड्री है वो अर्थ प्लानट की बाउंड्री है, और मेरे ख्याल में आज से 50 साल के बाद ये यूनिवर्स की बाउंड्रीज़ होने लगेंगी, सोलर सिस्टम की बाउंड्रीज़ होने लगेंगी। हम मार्स पर तो जाके रहेंगे, आपको पता ही है कि मार्स पर हम 2050 के अंदर अपनी बस्ती बसा लेंगे। जो भी मौजूद होगा उसको मेरा सलाम, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। I don't know if I'm going to be there or not. That's a long time because अभी 2024 ही है सिर्फ, और ये 25 साल के बाद है। बल्कि 2053 के अंदर बोल रहे हैं कि पहली मार्स में जो बस्ती बसेगी वो 2053 तक बसेगी। तो I think that's a long time. But हमारी जनरेशन जो है वो बड़ी कमाल जनरेशन है। हमने वो बटन वाला फ़ोन भी देखा है, वो जो हरे रंग का फ़ोन होता था जिस पर काले रंग के बटन लगे होते थे, तो वो वाला फ़ोन भी देखा है। फिर हमने वो वाले जो बड़े वाले मोबाइल फ़ोन थे जिसके साथ एक बैग कैरी करके चलते थे, वो वाला फ़ोन भी देखा है। फिर कार का फ़ोन भी देखा है। फिर इसके बाद वो पहला जो फ्लिप फ़ोन आया वो भी देखा है। फिर उसके बाद अब ये वाले फ़ोन आ गए हैं और आज से 10 साल के बाद आपको टेलीफोन्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। बता रहा हूँ मैं आपको, टेलीफोन्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा जी, सिंध प्रीमियर लीग का एसपीएल का आगाज़ हो गया है एंड दिस इज़ रियली 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 ब्यूटीफुल। सिंध प्रीमियर लीग जो है वो होने जा रही है और कराची के अंदर इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई। आसफा जो भुट्टो हैं वो इसकी मेहमान खुसूसी थी एंड कराची और हैदराबाद की टीमों ने आपस के अंदर ये खेल खेला है एंड आई एम रियली 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 ग्लैड, आई एम रियली हैप्पी। ये लीग्स पूरे पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए और मुझे लगता है कि हम जिस तरह से तवज्जो देते हैं क्रिकेट पे, इसी तरह से हमको हॉकी पे तवज्जो देनी चाहिए, फ़ुटबॉल पे तवज्जो देनी चाहिए, खेलों पे तवज्जो देनी चाहिए। जो जोश और मैं आसफा भुट्टो की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जो स्पिरिट हमारे नौजवानों में नज़र आती है वो स्पिरिट हमारे सियासतदानों में होना चाहिए। पाकिस्तान इज़ चेंजिंग, ये याद रखिएगा। हम बहुत बुरे फेज से गुजरे हैं बट वी आर लर्निंग, हम समझ रहे हैं एंड दिस व्हाट दे हैव स्टार्टेड, मेरे ख्याल में ये वो जगह है जहाँ से हम टेक ऑफ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दी एसपीएल ऑर्गेनाइजर्स, हमारी तरफ से बहुत सारी मुबारकबाद आपको। आई एम रियली ग्लैड, आई थिंक पाकिस्तान इज़ रियली ग्लैड एंड इंशाअल्लाह हमको पाकिस्तान के प्लेयर्स भी बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे और सबसे बड़ी बात ये नौजवानों को खेलने के लिए मौके, चांसेस, बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलेंगी जो मुझे लगता है कि हमको देनी चाहिए। सो थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, बेंगलुरु में ये बात बड़ी खूबसूरत है। बेंगलुरु में दो बहनें हैं और मैं उनका नाम बस पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं ख़बर आपको बता दूँगा। बीबी तबस्सुम और सरिया कुरैशी, इन्होंने अपने हाथों से कुरान पाक के हर हरूफ की कढ़ाई की है और ये 604 सफ़ात पर मुश्तमिल है। कॉटन के कपड़े और धागे का इस्तेमाल करते हुए इस काम को इन्होंने अंजाम दिया है। पहले इन्होंने मखमल के कपड़े में 5 जिल्दों की तमाम कपड़ों के सफ़ात की ख़ुद बाइंडिंग की है। अच्छा, ये करती कैसे हैं, अब आप ये देखिए कुरान करीम लिखती कैसे हैं। ये लिखती इस तरह से हैं कि पहले उसे पेंसिल से लिखा जाता है, फिर उस पर कढ़ाई की जाती है और इनकी ख्वाहिश ये है कि इसे मदीने में रखा जाए और हमारी भी यही ख्वाहिश है। वी आर प्राउड ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। मुझे ऐसा लगता है दैट ये जो ख़बर जब मैंने सुनी है तो माय हार्ट गोज़ आउट टू देम, टू दीज़ टू सिस्टर्स। एंड बेटा, आप लोगों ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। आई नो आपका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है लेकिन एज़ मुस्लिम्स हम सब आप पे फ़ख्र करते हैं और बहुत फ़ख्र करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब रखे और आपकी ये जो मेहनत है, ये इबादत जो है, अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह में मुस्तजाब करे, कबूल करे और आपके सदक़े में उम्मत मुस्लिमा पर रहम करे। फ़लस्तीन में जो मज़ालिम हो रहे हैं अल्लाह मियाँ वो ख़त्म करवाए और जो कश्मीर के अंदर और जहाँ जहाँ इंसानों पे, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता, जहाँ जहाँ इंसानों को सप्रेस किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, अल्लाह ताला वहाँ अपनी जो बनी नौ इंसान है उस पर रहमत करे आपके इस कुरान करीम के नुस्खे में। और ये आप मदीने में रखना चाहती हैं, इससे बड़ी सादत कोई नहीं हो सकती। तो मेरी तरफ़ से आपको, आपके घर वालों को और तमाम लोगों को जिसमें शरीक हैं उन सबको बहुत 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 मुबारकबाद। अच्छा जी, अब ये तो हुई बातें, अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ एक ऐसे मेहमान होंगे जो आपको ये सिखा सकते हैं कि आप अमेज़ॉन पे कैसे जाएं, कितने पैसे बनाएं और किस तरह से आप डॉलर्स कमाएं। और यकीन रखिए, अगर आपने ये सीख लिया तो आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू बी रियली रियली गुड फॉर यू। अच्छा, न सिर्फ जब आप ये सीख जाएंगे तो न सिर्फ आप अपनी मदद कर सकते हैं बल्कि पाकिस्तान की भी मदद कर सकते हैं। तो अगर डॉलर में पैसे कमाने हैं तो देखते रहिए हमारा शो। अभी एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। ऑलराइट जी, वंस अगैन वेलकम बैक एंड मेरे साथ इस वक्त एक ऐसा शख्स है जिसने महाज भी लड़े हैं। 1997 के अंदर कमीशन हासिल किया फ़ौज के अंदर, फिर 28 साल इनका शानदार करियर गुजरा है। वो चाहे तपते हुए रेगिस्तान हो, बलूचिस्तान का ऑपरेशन हो या कोई और जगह हो, हर जगह ये फ़ातह भी रहे हैं, गाजी भी रहे हैं। और फिर उन्होंने एक डिसाइड किया कि ये 2 साल पहले रिटायरमेंट ली, इन्होंने एक डिसाइड किया कि मैंने अब पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना है। मैंने आपसे कहा था ना कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाले लोग विजनरी होते हैं, तो इन्होंने पाकिस्तान के हर शख्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जो पाकिस्तान में रह के पैसे बनाना चाहता है, पाकिस्तान की मदद करना चाहता है और अपनी मदद करना चाहता है। मेरे साथ इस वक्त मेहमान हैं कर्नल मोहम्मद तैमूर खान। बाय द वे, रिटायर हो चुके हैं 2 साल पहले। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। आपकी कंपनी ई कॉम गेटवे है, जी ई-कॉम। अच्छा, हम बात कर रहे थे ब्रेक के दौरान, तो आपने कहा करना तो बहुत सारे लोग चाहते हैं जी, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि करना कैसे है। बिल्कुल। सबसे पहले ये बताएं, ये डिजिटल वर्ल्ड है क्या, ई कॉमर्स है क्या, क्या इससे पैसा बनाया जा सकता है? देखिए, जिस तरह कॉमर्स का मतलब होता है चीज़ें बेचना, खरीदना, बिजनेस करना, और जब इसके साथ ई लग जाता है तो ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक। सो कोई भी बिजनेस जो कि इलेक्ट्रॉनिकली हो, जो ऑनलाइन हो, उसको ई कॉमर्स कहा जाता है। पाकिस्तान में ई कॉमर्स के बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, कुछ लोकल भी हैं और कुछ इंटरनेशनल भी हैं। सो जब आप बात करते हैं कि जब आप बात करते हैं कि ई कॉमर्स की पाकिस्तान में, तो लोगों को ये तो पता है कि ऑनलाइन काम होता है, क्योंकि सब अमेज़न को जानते हैं, ईबे, शॉपिफाई, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, इवन लोग दराज पे भी काम करते हैं। एब्सोल्युटली। बट लोगों को ये नहीं पता कि इसके स्टेप्स क्या हैं, किन स्टेप्स से आप वो अर्निंग के लेवल तक पहुँचेंगे। ठीक है। जिस तरह एक जब कोई शख्स डॉक्टर बनता है तो पहले वो MBBS करता है, MBBS करने के बाद फिर वो स्पेशलाइजेशन, उससे पहले वो बहुत सारे हाउस जॉब करता है, फिर मुख्तलिफ जगह क्लिनिक्स पे बैठते हैं बड़े डॉक्टर्स, फिर वो जगह पे पहुंचते हैं जहाँ जाके वो अपना काम, पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। ऑनलाइन अर्निंग का भी इसी तरह के, सबसे पहले आपने स्किल हासिल करनी होती है, जब तक आप स्किल हासिल नहीं करेंगे आप कमाएंगे कैसे? स्किल हासिल करते हैं, स्किल हासिल करने के बाद आपने अपनी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। बट अच्छा, अगर आप कॉल करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से पैसे बना सकते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं, अभी कॉल कीजिए, इनसे बात कीजिए। इनका नंबर, हमने एक काम और किया, हमने एक डायरेक्ट नंबर, अच्छा कॉल आ गई है, हम कॉल ले लेते हैं पहले, अगर आप इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची जी। रियाज भाई कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कराची में भी काफी सर्दी हो गई है 2-4 दिन से। चले, बहुत अच्छी बात है। अक्कल साहब हमारे मेहमान हैं, क्या कहेंगे आप? जी, ये जो ऑनलाइन बिजनेस का जो है बड़ा जबरदस्त टॉपिक लेके आए हैं, और ये आज जो है जो हमारी बहनें जो घरों में रहती हैं, खासतौर पर बाहर नहीं निकलती या अपने कहते हैं कोई मजबूरियां होती हैं, घर की तरफ सख्ती होती है, तो ये ऑनलाइन के इनको आप अच्छे से आज टिप्स बताएं जो घर बैठ के जो है वो कारोबार कर सकें मुख्तलिफ, और ये बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन लेके आएंगे आप लोग के। हम हमें जब बताएंगे और लोग सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला, जो इस महंगाई का दौर है, जो इस वक्त जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो वो दिल से दुआएं देंगे साहिर भाई आपको के, और 24 न्यूज को, कि वो हमारे मसले मसाइल जो है वो हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रजत भाई सर। बिल्कुल। अच्छा, पहले तो मुझे 2 सवाल करने हैं। पहला सवाल तो ये है कि यू हैव ऑलवेज बीन अ सोल्जर एंड सोल्जर ऑन द फ्रंट जी। By the way, we're really proud of you. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. And I'm saying it with all my heart. Grateful. To everyone, we're really proud of you. Thank you for your services. बहुत शुक्रिया. All of you, all the armed forces of Pakistan were there with you. Thank you. Were there with you. बहुत शुक्रिया. Yes. और मैं कोई ये शो ऐसा नहीं है, अगर ये शो ऐसा होता तो मैं बहुत सारे भाम को भी दूर कर देता जो anyway. We sleep fearlessly because you know there are people on our borders fighting for us. Don't ever doubt that. Don't ever doubt that. So thank you, sir. Shukriya. Bahut shukriya. Sir, being a soldier all your life, ये क्या शुरू कर दिया आपने? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो फील्ड है, इस फील्ड में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक है सेल्फ डिसिप्लिन और दूसरी है कंसिस्टेंसी। तो आई थिंक कि ये चीज़ें हम लोगों को बीइंग सोल्जर शुरू से सिखाई जाती हैं। सो व्हेन आई एंटर्ड इनटू दिस फील्ड आफ्टर माय रिटायरमेंट, इट वाज अ डिफिकल्ट डिसीजन फॉर मी, रादर गोइंग फ्रॉम 9 to 5 के बजाय मैं आज हूँ और एक ऐसी जगह पे जहाँ विच वाज वेरी न्यू फॉर मी। सो पहली चीज़ तो इसमें यह है कि जो बताती है कि आपका बैकग्राउंड कोई भी हो, आप कोई स्किल हासिल करके एक्सेल कर सकते हैं उस फील्ड में। तो पहली चीज़ तो ये थी। सर, क्या इसमें रहते हुए बहुत पैसे बनाए जा सकते हैं? बिकॉज अभी जो रियाज भाई ने कहा महंगाई बहुत शदीद है जी, तो क्या पैसे बनाए जा सकते हैं? अब बिल्कुल बनाए जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह हर चीज़ का एक वक्त होता है। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप एक स्किल हासिल करें और अगले दिन आप निकलें और आप लाखों करोड़ों कमाना शुरू कर दें। जो ये कहता है वो मिसलीड करता है। ठीक है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ ये कि कंसिस्टेंसी, जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे और आप अपने काम को, स्किल को हासिल करके उसमें एक्सेल करेंगे, शाइन करेंगे, मेहनत करेंगे, 10-10, 12-12, 14-14 घंटे लोग काम करते हैं, तब जाके उस लेवल पे पहुँचते हैं जहाँ वो स्टार्टअप में आ जाते हैं। तो आफ्टर 6 to 8 मंथ्स और 1 ईयर अगर आप ये काम स्किल सीखते हैं तो आप तकरीबन साल डेढ़ के अंदर अंदर आप अच्छे पैसे कमाना शुरू अच्छे पैसे कितने अच्छे पैसे होते हैं साल डेढ़ साल? डिपेंड ये करता है कि आप कौन सी स्किल हासिल करें और स्किल की उस नीश की। क्या आप $1000 तक बना सकते हैं? आप इससे ज़्यादा बना सकते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त स्टेटिस्टिकली जिस तरह भी कॉल आई थी, पूछ रहे थे ख़वातीन के बारे में, पाकिस्तान में इस वक्त 2023 में 23 लाख 70 हज़ार फ्रीलांसर रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान में, माशाल्लाह, जिसमें से 47% ख़वातीन हैं। सो यू कैन वेल इमेजिन कि हमारा तकरीबन 23 लाख में से नियरली 50% ख़वातीन हैं जो कि फ्रीलांसिंग कर रही हैं पाकिस्तान में। अच्छा, हमने किया क्या है, हमने कल साहब का डायरेक्ट नंबर आपको दे दिया है, ये ई-कॉम गेटवे जो है कंपनी जो उनकी है उनका नंबर है, आप उनको कॉल कर सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन कोर्सेज़ भी बताएंगे और आपको सिखाएंगे भी और बताएंगे कि किस तरह से आपने, देखिए आपको एक मेंटोर की, एक उस्ताद की ज़रूरत होती है कहीं भी जाने के लिए, तो कल साहब की कंपनी ई-कॉम गेटवे ये काम करती है। सर मुझे बताइए कि क्या तमाम लोग शुरू कर सकते हैं बिज़नेस और इसकी कोई ख़ास एज है? जो एज है वो 12 साल से शुरू होती है, 12 साल और 100 साल तक जाती है। और ये तो अब सिलसिले खत्म हो गया ना, 12 से 100 साल तक जाती है। और एक टेलीफोन कॉल भी है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज मुझे नहीं आ रही। हेलो, अच्छा आई थिंक आवाज नहीं आ रही। तो कितने पैसे से ये कारोबार शुरू हो सकता है? देखिए कारोबार की बात तो बाद में आती है, पहले तो सबसे पहले स्किल की बात आती है। सीखना है तो सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक तो आपको मैट्रिक की तालीम, मिनिमम मैट्रिक की तालीम, मिनिमम कंप्यूटर ऑपरेट करना आपको आता हो, ठीक है, आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन हो, एक इंटरनेट वो तो खैर आपके पास, कि आपके पास मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, मोबाइल से आप सीख सकते हैं, लेकिन जब आपने प्रैक्टिस करनी होती है उसको आपको कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे टूल्स होते हैं जो कि सिर्फ आप ऑनलाइन लैपटॉप कंप्यूटर पे चल सकते हैं। अच्छा, इस वजह से तो अच्छा मज़े की बात ये कल साहब कर क्या रहे हैं? कल साहब मैं आई रिस्पेक्ट दैट, कल साहब ये नहीं कर रहे कि आप इनसे कहें और ये आपका एक बिजनेस सेटअप करके दे देंगे और सारी उम्र आप इनके ऊपर रहें, ये आपको सिखा रहे हैं कि आपने कैसे करना है। एम आई राइट? सर्टेनली, सर्टेनली, एम आई राइट? एक टेलीफोन कॉल और लेट्स सी दिस इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाँ ड्रॉप हो गई, ओके। तो अच्छा रिक्विजिट्स क्या है, प्री रिक्विजिट्स क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है? हाँ, एक तो ये जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि कंप्यूटर की नो हाउ ज़रूर होनी चाहिए, इतना पता होना चाहिए कंप्यूटर क्या चीज़ है, ठीक है, इतना पता होना चाहिए कि वर्ड कैसे ऑपरेट करना है, आपने ऑफिस कैसे खोलना है, ऑफिस मतलब वो वाला ऑफिस नहीं, दूसरा ऑफिस, पावर पॉइंट कैसे ऑपरेट करना है, एक्सेल शीट कैसे बनानी है, ये छोटी छोटी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो इसमें भी परेशानी की कोई बात नहीं है, आजकल इंटरनेट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं, यूट्यूब के ऊपर हैं कि आप जहाँ एक्सेल शीट आपको बनाना आ जाएगी, आपको वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना आ जाएगा, आपको टूल्स बाय करना आ जाएंगे। सो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। हमारे यहाँ इस वक्त पाकिस्तान में जो फ्रीलांसर हैं, ज़्यादातर फ्रीलांसर्स हैं, उनकी तालीम कोई बहुत बड़ी तालीम नहीं है, वे भी मैट्रिक, सेकंड ईयर, एफए, बीए करके लोग कर रहे हैं काम, छोटे छोटे बच्चे कमा रहे हैं। दे जस्ट नो, जिस तरह हम बात पहले कर रहे थे कि लोगों को रास्ता नहीं पता, पता सबको है कि ऑनलाइन कमाया जा सकता है, पता सबको है कि ऑनलाइन कितनी स्ट्रेंथ मौजूद है, बट वो जो रास्ते हैं ना वो नहीं पता, तो रास्ते बताना बहुत ज़रूरी है। रास्ता सबसे बड़ा ये, आप जो YouTube वीडियोस आप देखते हैं या Instagram या TikTok के ऊपर जो बहुत सारी वीडियोस आ रही होती हैं। अच्छा, कॉस्ट इफेक्टिव है ये? जी, कॉस्ट इफेक्टिव इस तरह है कि जब आप स्किल हासिल करें और स्किल हासिल करके आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, फिर तो आपका खर्चा ही कोई नहीं है ना, ठीक है, फिर तो आपने स्किल हासिल की और आप कुछ कम काम करवाना चाह रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करवाना चाह रहे हैं, यू कॉन्टेक्ट मी, मैं आपसे पैसे चार्ज करता हूँ, डॉलर में चार्ज करता हूँ, एंड मेरा तो कोई खर्चा नहीं। अच्छा ये बताइए कि जैसे कितना अरसा लगता है किसी भी आपके कोर्स को लेके सीखने में, जाने में कितना अरसा लगता है? आई थिंक देखिए आजकल जो कोर्सेज हैं वो 1.5 से 2 महीने तक के कोर्सेज होते हैं, चाहे वो ई कॉमर्स, और ये सब ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन, इसलिए बहुत आसानी है कि कोई राजनपुर बैठा हो, कोई कराची बैठा हो, कोई पेशावर बैठा हो, हर किसी को वो प्रॉपर वो मिल रही होती है ऑनलाइन। तो इसमें यह कि अगर आपने ई कॉमर्स का है या आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, दोनों जो कोर्सेज हैं 1.5-2 महीने के कोर्सेज होते हैं, वो करने के बाद आपको एक बेसिक नो हाउ मिल जाती है, और वो बेसिक नो हाउ के बाद आप एक इंटर्नशिप करते हैं। जिस तरह आपने बात की थी, मेंटोरशिप बहुत जरूरी है, टिल द टाइम यू डोंट हैव अ मेंटोर, ऑफ कोर्स काम करके बैठ गए, पता ही कुछ नहीं कि आगे करना क्या। अच्छा ये जो इंटर्नशिप होती है आप करवाते हैं? हम लोग भी हमारी भी है, बिल्कुल, हमारी पूरी जो फर्म है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, तो हम उनके थ्रू लोगों को इंटर्नशिप भी करवाते हैं। अच्छा, हम उनको रास्ते में छोड़ नहीं देते कि यार आपने स्किल हासिल की, जाओ अब इस जंगल में फैल जाओ और जहाँ भी कुछ मिले। अच्छा, मुझे चूँकि मैंने US में तालीम हासिल की है, तो वहाँ ये होता था कि जैसे ही आप अपनी डिग्री करते थे तो समर्स उसके दरमियान आती थी, तो वो आपकी प्लेसमेंट का खुद ही बंदोबस्त करते थे ताकि आप इंटर्नशिप कर सकें। और पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इनका कोर्स लें और कोर्स लेने के बाद आप इन्हीं के साथ काम करें, यही आपको मेंटोर करें। के बाद आपको पता चलेगा कि वाकई आप किसी जगह पहुंच चुके हैं। और उसके बाद जब आप पैसे बनाना शुरू करेंगे तो वो तमाम लोग जो हाई स्कूल के अंदर हैं वो ये सब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब यहाँ और एज लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं, कोई एज लिमिट, थोड़े बस नो हाउ आपको होनी चाहिए, देन यू गुड टू गो। ओके ओके कौन साहब, बहुत खुशी हुई है आपसे मिलकर। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डू कम अगेन जब भी आपके पास वक्त मिले। आज थोड़ी सी वक्त की कमी है, मुझे मेरी ख्वाहिश ये होगी कि आप आएँ, तशरीफ लाएँ और हम एक पूरा शो इस पे करें। क्या ऐसा मुमकिन है कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम आप अपनी टीम को भी लेके आए, कुछ लोगों को? एक्चुअली जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, और जो फ्रीलांसर हैं वो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, कोई हैदराबाद में, कोई पेशावर में, कोई सब अपना अपना काम कर रहे हैं। बट इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट, नेक्स्ट टाइम जब भी आप इनवाइट करते हैं तो आई ट्राई कि मैं कंप्रीहेंसिवली लोगों को बताऊं कि बेसिकली क्या हो क्या रहा है। आई हैव मेरे कुछ पिछले दिनों में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स वगैरह भी हुए हैं, उसमें भी स्टूडेंट तक की बात मैंने पहुंचाई है कि किस तरह काम करना है और हाउ टू गो अबाउट इट। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपके जब भी प्रोग्राम में इन्वाइट करते हैं तो मैं आके आपको कंप्रीहेंसिवली एक चीज़ फॉर श्योर सर। थैंक यू, थैंक यू बहुत, एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। थैंक यू। ये आपने दो काम बहुत अच्छे किए, एक तो ऑब्वियसली आप फ्रॉम द आर्मी, वो बहुत अच्छी बात है, और दूसरी बात जो बहुत है वो ये आपका जो विजन है कि पाकिस्तान में हर शख्स इंडिपेंडेंट हो और हर शख्स के पास पैसा आ जाए अपनी ज़िंदगी गुजारने। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ख़वातीन और उन लोगों के लिए जो कि इस वक्त अनएम्प्लॉयड हैं। दिस डिजिटल वर्ल्ड इज़ फॉर देम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बट डू एक्सपेक्ट कि मैं कंसल साहब को अगले 2 वीक्स के अंदर इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आए यहाँ पे और हम खुल के ज़रा बात कर सकें और आपकी कॉल्स को हम ले सकें। ब्रेक के बाद। नहीं देखा तो नहीं देखा तो देखा नहीं मैं खुद ही जिन्नू नहीं दिखे तो नहीं है, लेकिन असरात होते हैं, सुनने में आए काफ़ी असरात होते हैं, लेकिन उनको देख नहीं कुछ सकता। मैंने सियासतदानों को देखा, वही जिन जिन हमारे साथ गुजरी हुई है, बस टाइम अच्छा था, बाकी उस टाइम गुजरी थी, बाकी ये है हमारी छोटी बहन उसके चक्करों में गई है, जिन्नाज के चक्करों में। बड़ा इलाज कराएंगे नहीं, आखिर ख़त्म होगी। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते थे इसे कुछ भी नहीं है, और तबीयत गंडों के पास जाते कहते इस पर बड़ा कुछ है, आखिर नहीं बच सकी। नहीं जी मैंने नहीं देखा है नहीं, मैं तो नहीं देखा है। नहीं मैंने नहीं देखा, नहीं मैंने तो नहीं देखा, नहीं देखा तो नहीं, मगर हम ये कुरान तो फिर सच्चा है। और आई डी मंजूर इज़ हेयर, एंड आप समझ गए होंगे आज जन्नत के बारे में बात है। ये उसी प्रोग्राम की कंटिन्यूशन है जो लास्ट वीक था, कुछ चीज़ें रह गई थी जिसके बारे में मैं पूछना चाहूँगा। एंड ऑफ कोर्स नवीद शहजाद इज़ हेयर, कराची से DCNG पे डॉक्टर महविश ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। तो अभी जो हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब आपसे शुरू करता हूँ, डॉक्टर फाफ आपसे शुरू करता हूँ। लोग ये कह रहे हैं जी मैंने नहीं देखा, सबको ये एक्सपीरियंसेस नहीं होते, लेकिन क्या वाकई जिन नज़र आ सकते हैं? देखिए हमारे पास जब क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं और उनकी फैमिली साथ आती हैं तो दो तरह की सूरत हाल होती है। समटाइम्स पेशेंट ये कह रहा होता है कि मुझे कुछ नज़र आता है। डॉक्टर साहब एक सेकंड, अगर आप मुझे कता कलाम में आप एक सेकंड, अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं अपने किसी एक्सपीरियंस के बारे में तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अभी कॉल कीजिए, आई वुड लव टू टेक योर कॉल, आपकी कॉल मैं लूँगा और आपका एक्सपीरियंस जो है वो दुनिया से हम शेयर करेंगे। जी डॉक्टर साहब प्लीज़ कंटिन्यू। जी तो हमारे पास दो तरह की सिचुएशंस आती हैं, या तो पेशेंट ये कह रहा होता है कि मुझे कुछ नज़र आता है, कोई जिन्नात हैं ऐसी बात है, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो घर वाले हैं वो ये कह रहे होते हैं कि ये नहीं मानता, लेकिन ये जो हरकतें करता है, ये जो सिचुएशंस बताता है, हमें लगता है कि इसके ऊपर कोई असर है, कोई जिन है या कोई ऐसी चीज़ है। तो असल में ये साइकोटिक कंडीशंस होती हैं कि मुख्तलिफ तरह से। कभी कभी जिन जो होता है, हमारी एक कज़न पे आता था तो वो फैंटा के बाद ख़त्म हो जाता था, जब भी जिन को फैंटा पिलाते थे ख़त्म हो जाता था। गॉड ब्लेस हिज सोल, औरंगज़ेब लगारी साहब, उन्होंने बड़ी कमाल बात की थी कि जिन को अगर नींद का टीका लगाते हैं तो जिन भी सो जाता है, तो आपको अगर नींद का टीका लगाएं। जिनके जिन्नों के साथ फिर इस तरह से राब्ता होता है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। वो ऑफ कोर्स एक परसेप्शन है, वो जिस तरह से भी डेवलप कर लेते हैं। तो अगर उन्होंने उसके साथ अटैच कर लिए हुए हैं जिनको अपनी लाइफ में इतना वो कर लिया हुआ है, रोल प्ले करता है, तो वो फिर कुछ भी कर सकता है ना, वो जैसे जैसे होता है। बहरहाल ये एक डिसऑर्डर है जिसको हम, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इसको हम ट्रांसपोजेशन डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें पेशेंट टेम्परेरी तौर पे ये समझता है कि उसकी जो अपनी ज़ात है वो किसी और की उसके अंदर चली गई है और किसी और के इख्तियार में है, और वो जो भी हरकतें करता है वो समझता है कि वो जैसे मुझे कोई गाइड कर रहा है मैं उसके मुताबिक कर रहा हूँ। तो ये भी हमने बात की थी कि बाज़ुकात डिफरेंटली कल्चर्स या जो हमारी परसेप्शंस होती हैं जो हम एनवायरनमेंट से लेते हैं उस पर भी होता है। कुछ लोग अपने आप को जिन्नों के हवाले कर देते हैं, कुछ समझते हैं कि हमारे पास कोई रूह है, कुछ समझते हैं कि कोई और डेमॉन है जो कि हमारे ऊपर इस तरह से आया हुआ है और ये सारी चीज़ें कर रहा है। बहरहाल इट्स अ सीरियस साइकोटिक डिसऑर्डर जिसको हमें डील करने की ज़रूरत है और अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ऑलराइट जी, नवीश शहजाद मेरे साथ हैं। कहीं भागेंगे आप? जहाँ आप कहें। नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप मतलब भागने के लिए तैयार बैठे You want to run somewhere? तो प्लीज़ बताइए, ये जो लोग कहते हैं कि जिन देखा है, कुछ लोग कहते हैं जिन देखा है, अच्छा उन्होंने एक वर्कशॉप में कहा था कि हमारी बहन जो है वो उसी के, और आप उस पर सर हिला रहे थे। डू यू एक्चुअली बिलीव कि जिन्नात जो हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके अंदर हलूल कर जाएँ और इसके बाद फिर आपकी मौत वाक़ हो जाए? क्या ऐसा मुमकिन है? बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल साहिर भाई, हमने पिछली दफ़ा भी इस पर बात की थी और मुझे खुशी इस बात की है कि हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं अवेयरनेस लोगों को देने के लिए, वो इस वजह से भी है कि जिन्नात के हवाले से बहुत सारी ऐसी गलत बातें फैला दी गई हैं जिसकी वजह से लोग किसी भी ऐसी बीमारी को जो जिसमें बज़ाहिर मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर आ रही हैं तो उसको बीमारी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो जिस वजह से वो सारा का सारा मुद्दा जिन्नात पर आसानी से डाल देते हैं और ये कहते हैं कि जी हमारा फलां अजीज़ या रिश्तेदार भी इस वजह से फौत हो गया था कि हम जब डॉक्टर्स के पास गए तो उन्होंने कहा जी इससे कोई बीमारी नहीं है। एक टेलीफोन कॉल लेते हैं फिर इसके बाद यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग साहिब। गुड मॉर्निंग याया, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम मेहमानों को सलाम हो। शायद जो आपने बात की ना कि फंड का भी दिन खत्म हो गया, हाँ। तो इस तरह के दिन बहुत होते हैं। मैं बिलीव करें क्योंकि मैं इसलिए बताता हूँ कि मेरे जो भाई की जब वो बीमार हुआ वो पैरालाइज हो गया था कंप्लीट, तो बहुत सारे ऐसे जिन वाले बाबा हमारे पास आए थे जिनको मैं तो नहीं लाया थी और लाया था, लेकिन वो पता चला कि जिन वाले बाप वो एक्चुअली होता ही कि जब आपके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है ना, नॉर्मल बिहेवियर वाले बच्चे हो जाते हैं कुछ ऐसा, तो आप या उसकी आवाज़ में चेंज आ जाता है तो वो लोग ऐसे बाबों के पास जाते हैं। वो बाबे आपको उस चक्कर में डालते हैं, जब वो चक्कर में डालते हैं तो आप उसी साइकिल में आप फंस जाते हैं, बड़ी मुश्किल से निकलते हैं और आखिर में आपको जाना डॉक्टर के पास पड़ता है। मेरा सवाल साहब, क्योंकि मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा, हमारे जानने वाले के साथ ऐसा हुआ था कि वो बच्चा, वो सहमा हुआ बच्चा था, वो किसी वजह से अपनी पढ़ाई के चक्कर में ना वो डिप्रेस था, तो वो अजीब हरकतें कर रहा था, उसको कोई इल्यूजन नजर आते थे, तो लोग कई 3 साल तक उस बच्चे के साथ ये हुआ कि मुख्तलिफ बाबा के पास जाता था। आखिर में आज यकीन करें वो बच्चा जो, उसका हाल ये हो रहा है कि वो ना घर का है ना वो घाट का है, उसकी हाल उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। मेरा सवाल ये है कि ये जो एक तो मौलवी साहब से कि इनसे अकाइद में इससे कितना फर्क पड़ता है, हम अगर अपनी कोई बीमारी या अपने अगर कोई प्रॉब्लम्स को अल्लाह के बिलीफ के अलावा किसी और से बिलीव करके उसके हद पे चढ़ा देगा, अपने बच्चे को चढ़ा देते हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? और डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये, डॉक्टर मतलब है कि हमारे घर में जो एबनॉर्मल बिहेवियर्स होते हैं या बच्चा कोई ऐसी हरकत कर रहा है तो हम एट द उसको क्यों नहीं चेक करते, उसके बिहेवियर से चेक करने के उसकी प्रॉब्लम को क्यों नहीं डिस्कस करते बजाय इसके जिन और जिन्नात के चक्कर में? ऑलराइट, ठीक है याया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। पहले आपकी तरफ आऊँगा, क्या इससे अकायद पे फ़र्क पड़ता है, हम ज़ोफ़ुल एतकाद हो जाते हैं, क्या होता है जब हम दूसरों के पास जाते हैं और कहते हैं इसका जिन उतार दें? जी बिल्कुल, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है और हमारे माशरे में जो तवाहुम परस्ती इस वक्त बहुत ज़्यादा उरूज पर है, उसकी बेसिक वजह भी यही है कि जो नफ्सियाती बीमारियां हैं उनको बीमारी समझा ही नहीं जाता। और हम ये समझते हैं कि अगर हम किसी मेंटल इलनेस इंस्टीट्यूट में अगर किसी पेशेंट को लेके जाएंगे तो वो इसको पागल डिक्लेयर कर देंगे और वो ये कहेंगे इसका दिमाग दुरुस्त नहीं है तो वो पागल खाना है, तो लिहाजा वहाँ जाकर हमने अपने बच्चों को क्या ले जाना है, किसी बाबा जी के पास ले जाते हैं। जब बाबा जी के हत्थे चढ़ते हैं तो उसकी मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ कि हमारे फाउंटेन हाउस के मेन गेट पर हमने एक रिपोर्ट वाला रजिस्टर रखा हुआ है। हमारी ओपीडी में जब भी कोई पेशेंट आता है तो हम उसकी पहले हिस्ट्री लेते हैं, उससे पूछते हैं कि आप पहले कहां कहां से होकर आए। तो हमारे पास चाइल्ड सेक्रेटरी में एक बच्चा आया था जो बस करीबुल मर्ग था, मरने के बिल्कुल करीब था, यानी वो फीमेल बच्ची थी। तो जब उसकी हिस्ट्री ली गई तो पता ये चला कि ये जो है वो कुछ इस तरह की हरकत करती थी कि जो मेडिकल जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं उसमें वो शो नहीं होती थी। हो सकता है उसको कन्वर्जन डिसऑर्डर हो या बाइपोलर डिसऑर्डर हो या स्किज़ोफ्रेनिया हो, इसमें से कोई एक चीज़ थी। लेकिन जो नफसियाती बीमारियां हैं उसकी कोई रिपोर्ट्स वगैरह में डिजीज़ डायग्नोज नहीं हो सकती, तो वो मुद्दा फिर जिन्नाट पर डाला गया। उसको जब किसी बाबा जी के पास ले जाया गया, उसने कहा जी मैं आज रात इस पर जो है वो दम दरूद करूँगा और चिल्ला कशी करूँगा, आपको चीखने की आवाज़ें आएंगी लेकिन आपने डरना नहीं है, वो जिन्नात भागेंगे बाहर निकलेंगे तो सुबह आपकी बच्ची जो है वो ठीक हो जाएगी। बहुत थोड़ी उम्र थी बच्ची की, तकरीबन 10 साल के करीब। वो रात को बाबा जी ने अंदर कोई आग की भट्टी जला ली, वो जाली पीर ने, और लोहे की जो सलाखें थी वो गर्म कर कर के उसको दागता रहा बेचारी को। और जब वो करीबुल मर्ग हो गई, सुबह मरने के करीब हो गई और वो दरवाज़ा खोल के फ़रार हो गया। घर वालों ने देखा तो बच्ची जो थी वो अधमर्ग हालत में पड़ी थी। उसको उठाकर जनरल हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से फिर हमारे पास फाउंटेन हाउस लाए, फिर बाद में उस पर केस हुआ, वो जाली बाबा पकड़ा गया। तो जब हम शुरू में वो बच्ची कैसी रही फिर, ठीक रही? हाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर ठीक हो गई जी, क्योंकि उसको नफसियाती आर्जा था। तो उसको चूंकि नफसियाती मरीज जो होता है उसको हम इलाज नहीं करवाते। Here is my question, आप लोगों के लिए एक सवाल है। मैं 8 साल की बेटी का बाप हूं, मैं कभी किसी के पास अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकता। आई एम सॉरी, नो, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बाबा बाबा क्या है, कौन से बाबा है, किस बात का बाबा है? आई एम सो सिक एंड टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू दिस के बाबा है, कौन सा बाबा है? मैंने बड़े जिन निकाले। हमारे ऑफिस में ना एक बच्चे पे जिन आता था, डरते थे लोग। एक दिन 5 मिनट के लिए मुझे अकेला छोड़ा उन्होंने बच्चे के साथ, उसके बाद जिन कभी नहीं आया। मैं ना बकवास सुनता हूं और ना मैं किसी को करने देता हूं। जिन का वजूद बरहक है, लेकिन क्या जिन्नात इस तरह से होते हैं? और आप कैसे पेरेंट्स हैं कि आप एक ऐसे शख्स से जिसको आप जानते ही नहीं हैं, आप उसके पास एक दिन के लिए गए हैं, वो आपसे पैसे भी चार्ज कर रहा है और आपकी बेटी के बारे में कह रहा है कि आप इसको मेरे पास अकेला छोड़ दें। आप दरवाज़ा बंद कीजिए और बाबा से बोलें आप मेरे साथ 5 मिनट में बैठें, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप इलाज करते हैं या मैं आपका इलाज करूँ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात होगी। Alright, जी, अस्सलाम वालेकुम, once again, welcome back. Let's talk to Dr. Mehwish in Karachi. डॉक्टर साहबा, ये बताइएगा कि अब जिन्नात का वजूद बरहक है, लेकिन क्या जो आम लोगों पे आते हैं वो वाकई जिन होते हैं या उनकी कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम होती है, या महंगाई सबसे बड़ा जिन है, प्रेशर सबसे बड़ा जिन है, उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें होती हैं? साहब, जिन तो बहुत बड़े बड़े हैं और हर तरफ मौजूद हैं, ठीक है। बट द थिंग इज के हम अगर बायोसाइको सोशल अप्रोच लेते हैं, जब भी हम किसी साइकेट्रिक पेशेंट को देखते हैं ना, तो वी टेक अ बायोसाइको सोशल अप्रोच कि उसके अंदर बायोलॉजिकल इश्यूज क्या हैं, उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज क्या हैं और उसके सोशल इश्यूज क्या हैं, ठीक है। मैं ओपीडी में कई पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो लिटरली आवाज़ बदल लेते हैं कि अभी मुझ पर चुड़ैल आ रही है, और फिर एक फीमेल की आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं कि अब ये चुड़ैल आ गई है और मैंने बाकायदा चुड़ैल से बात की है। तो एक्चुअली ऐसे लोगों का अगर आप बैकग्राउंड देखें ना, तो उन्होंने बचपन से ऐसा माहौल देखा होता है, ऐसी कहानियां सुनी होती हैं, ऐसे मूवीज, उनके घरों में ये बिलीफ सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है। डॉक्टर साहब, ये तो भी उनके ऊपर कोई अक्सर ये भी कहा जाता है कि परी आ गई है और मतलब यू नो जिन आ गया है, वो मुझे कहीं ले जाना चाहता है। तो ऐसा ये कि इनके हकायक क्या हैं, इनके क्या है? सॉरी, मैं समझी नहीं क्वेश्चन आपका। इनके हकायक क्या है? मतलब जब ये कहा जाता है कि एक परी मुझ पे आ गई है, या वो मुझ पे आशिक हो गई है, वो मुझसे शादी करना चाहती है, या एक जिन आ गया है, वो मुझसे शादी करना चाहता है, वो मुझे कहीं लेके जाना चाहता है, तो ये इनके हकायक क्या है? क्या ये सिर्फ एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल, ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बिकॉज हमारे पास जितने भी एविडेंसेज हैं कि जिनका वजूद बरहक है, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि एक बाकायदा जिन बॉडी में आके आपकी बॉडी को कंट्रोल कर ले और आप कुछ भी करें। बिकॉज अगर कोई इस तरह से मर्डर कर दे या कोई जुर्म कर दे तो सजा तो बंदे को ही मिलेगी ना। तो द थिंग इज के नो वन कैन कंट्रोल यू। इस तरह के जिन और इस तरह की जो एंटाइटीज हैं, दे कैन नॉट कंट्रोल यू, भले इनका वजूद है, अल्लाह ने इनको बनाया है। और द थिंग इज के साइकेट्रिक पेशेंट का मतलब वही वाली बात कि या तो उसको बायोलॉजिकली कोई इशूज़ है, लाइक उसके फ्रंटल लोब में ब्रेन ट्यूमर हो सकता है तो उसको चीज़ें नज़र आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल, या फिर कोई इसका सोशल डिस्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि उससे बचने के लिए उसने इस हकीकत को अपने अंदर, एक कहानी को अपना लिया है और उसको अपने रोल से या अपने डिस्ट्रेस से आज़ादी मिल जाती है और वो रीइंफोर्स होता चला जाता है। तो इस सब का ना माहौल से और इस बंदे से, उसकी फैमिली से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। और आपने ये देखा होगा कि हमारे यहाँ इवन ड्रामों में, मूवीज़ में, कहानियों में इसको ग्लोरीफाई बहुत किया जाता है। तो इसके ऊपर भी, इसका भी बहुत असर होता है बंदे के ऊपर। बिल्कुल होता है। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? जी बेटा क्या हाल है? मेरा नाम मोहम्मद असगर डार है, मैं कारिया से बोल रहा हूँ बेटा। कैसे हैं सर आप, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर क्या कहेंगे? अच्छा ये जो जिन्नात का चल रहा है ना जी सर मौजूद, इस पर मेरे पास एक जो है एक वाकया है, अगर आप थोड़ा सा टाइम दें तो मैं आपको सुनाऊं। अगर आप मुझे इजाजत दें, इनको होल्ड करवा लीजिए, होल्ड करवाइए, ड्रॉप नहीं कीजिएगा। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक लेना है, ब्रेक ले लीजिए। जब वापस आते हैं तो इन्हीं से शुरू करेंगे, इनकी कॉल, इनको कॉल पर रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। तो है ना जिन तो है हमारे पास लगे फिरते हैं, पर नजर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं जिन्नात की हकीकत, क्यों नहीं जिन्न इंसान ही इन्होंने दोनों का हिसाब होना और कितना होना है। हकीकत कुरान में पढ़े तो क्यों नहीं आता है, सब कुछ इसका जिक्र आता है। जिन्नात हकीकत है, वो तो है, जिन्नात तो है। आप सरकार पे भी उस दौर में भी जिन्नात है थे, तो अभी भी है, लेकिन नजर नहीं आते। होते होंगे लेकिन इतना नहीं है, मुझे तो नहीं लगता होते। जिन तो होते हैं, जिन्नात की हकीकत है, जिन्नात का कुरान पाक में भी बताया अल्लाह ताला ने, जिन्नात में हर चीज़ के जिन्नात हैं। यहाँ पे भी जिन्नात हो सकते हैं हमारे साथ, जितने ऊंचे लंबे कद वाले होते हैं, सफ़ेद सूटों वाले अक्सर जिन्नात ही होते हैं। आपका भी कद काफ़ी लंबा है। देखें जिन्नात तो आप झुटला नहीं सकते हैं, अब उनमें कैसे हैं कैसे नहीं है ये तो आपको देखना है। होते हैं जिन, कुरान में जिक्र है जिन्नात का, मैंने देखा नहीं तो मैं सही बोलूँगा, नहीं है जिन। जिन हकीकत है, जिन्नात हकीकत कुरान शरीफ में जिक्र है। जिन्नात है, अल्लाह ताला ने पैदा किया इनको, आग से बने हैं, बस इतना सुनने में आया है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है किस चीज़ से बने हैं। नहीं मुझे नहीं पता। जी जी बिल्कुल होते हैं जिन्नात हैं, हमारे पैगम्बरों से चलता आ रहा, उनके ऊपर भी जादू हुए थे। जिन होते हैं, आई डोंट बिलीव इन। जिन्नात की बिल्कुल हकीकत है, कुरान पाक के अंदर उनका जिक्र है, जिन्नात हैं। जिन जिन भूत ये तो चलते आ रहे हैं शुरू से, होते हैं। जिन्नात तो हैं, बेशक हैं, अल्लाह की मखलूक है जिन्नात। इस्लाम में तो है। आप कौन से चैनल से हैं? मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करता। दो चीज़ें बड़ी अच्छी थी, एक तो लंबे कद वाले लोग सफ़ेद शलवार कमीज ना पहने क्योंकि हो सकता है लोग आपको जिन समझने लगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी, माइक उनके सामने, उस पर 24 लिखा हुआ है, कह रहे हैं आप कौन से चैनल से हैं। दैट्स वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस। तो टेलीफोन कॉल की तरफ जाते हैं। सर आप मौजूद हैं हमारे साथ? जी बिल्कुल। मैं माजरा चाहता हूँ आपको 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 इंतजार करना पड़ा, बहुत माजरा। जी प्लीज कंटिन्यू, आप बताइए। अच्छा सर बेटा मेरे बहनोई थे, अल्लाह पाक उनकी मफरत करे, फोत हो गए। एक उनके दोस्त थे और एक हमारे रिश्ते में चचा लगते थे। ये तीनों जो है ना ये बुजुर्ग हजरात थे। मैं उस वक्त तकरीबन 20 बरस का था, तब उन्होंने ये बात मुझे सुनाई थी और मैं आपको बता रहा हूँ आज। वो कहते हैं कि हम गए खुशाब में, हमारा कोई दोस्त था उसकी तरफ, तो इस जगह वो गाड़ी से उतर के पैदल जाना पड़ता था, काफी थोड़ा फासला था। तो रास्ते में उन्हें भूख लग गई, दोपहर हो गई, गर्मियों का मौसम था। हाँ। तो वो जो है ना उनके साथ एक उनका एक दोस्त था, वो उसको साईं ब्राह्म बोलते थे, उसका नाम था साईं ब्राह्म। वो जो है ना वो उसके पास वो कोई इस किस्म का मामला था या नहीं था ये मुझे नहीं पता, लेकिन उससे उन्होंने कहा कि भाई हमें तो प्यास लगी हुई है, भूख लग रही है, हमें वो कुछ खाने को चाहिए, आज तुम्हारे वो देख लेते हैं कि कितने साई हो तुम। तो उसने कहा अच्छा ठीक है बैठ जाओ। वो उन्होंने कहता है कि मेरे भाई ने कहा कि वो एक दरख्त के नीचे हम बैठ गए और वो जमीन पे बैठ गया। जमीन पे बैठ के ना साईं ब्राह्म जो था उसने 3 दफा हाथ मारे नीचे जमीन पे और बोला खसमा रोटी दे ना, ये 3 दफा उसने बोला। कहता है आप चुप करके बैठ जाओ। वो अलफन उन्होंने ये बात बताई आपको, वो अल्लाह जो है ना, मैं उनकी बात आपको बता रहा हूँ। कहते हैं थोड़ी देर गुजरी ना, तकरीबन 15-20 मिनट, तो एक तरफ से एक औरत हमें नजर आई दूर से, उसके सर पे गड़वा था और उसने रोटियां जो है उठा रखी थी। वो ऐसा ऐसा चलती चलती हमारे पास आ गई। आके उसने वो जो खाना था वो हमारे सामने रखा और आप थोड़ा सा दूर हट के बैठ गई। कहते उधर देखा हमने कि रोटियां थी तंदूर की लगी हुई, उस पे घी लगा हुआ था, मक्खन, उसके ऊपर शक्कर थी और साथ जो गड़वा था ना उसने सर पर डाला, उस पर लस्सी थी और अचार भी था साथ में। ओके। हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है, बट वो ये कह रहे हैं कि शायद जन्नात जो थे वो उन्होंने खाना दिया था। मुझे नहीं पता कि उस औरत के थ्रू उन्होंने खाना दिलवाया था या नहीं, ये मुझे मालूम नहीं, बट ये वो वाक़या है जो उन्होंने बयान किया है। जी सर, आप कह रहे थे, आप कंटिन्यू कर रहे थे। जी, अच्छा मैं उस बात को कंटिन्यू करूँगा कि ये तो पहली बात तो ये है कि मेरा नुक्ता निगाह ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जिन्नात किसी इंसान पे हावी नहीं हो सकते या उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकते या उसकी अकल को माउफ नहीं कर सकते। या आप कह रहे हैं कि कर सकते हैं। कुरान और सुन्नत से ये बिल्कुल साबित है कि जिन्नात इंसान की अकल माउफ कर देते हैं, उसके हवासे खमसा पे काबिज हो जाते हैं, उसके ख्यालात को बेतरतीब कर सकते हैं, उसके जो नहीं क्या अंदर हलूल कर सकते हैं वो। नहीं, इस पे हमने पिछली दफ़ा भी बात की थी कि ऐसा वो ऐसा नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि वो माउफ। लेकिन मैं डॉक्टर महविश की तरफ जाता हूँ। डॉक्टर साहबा, क्या ऐसा हो सकता है कि तो लेकिन इंसान को तो अशरफुल मखलूक़ात कहा है, फिर क्या वजह है कि इंसान, खैर मैं दोबारा इनसे पूछता हूँ। डॉक्टर महविश, आप बताइए मुझे, क्या ऐसा मुमकिन है कि इंसान के ऊपर जिन्नात हावी हो जाए? देखें, मेरा बिलीफ सिस्टम इस मामले में थोड़ा सा डिफरेंट है कि मुझे नहीं लगता कि जिन्नात इंसान के अंदर जा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ इस तरह के मामला होते हैं कि जब लगता है कि जिन्नात हावी हो गए, इंसान सोचने समझने से कासिर हो गया है, तो फिर वो साइकेट्रिस्ट के पास जाके ठीक कैसे हो गया? क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास रहते हैं, इन पेशेंट्स तो वो बेहतर हो जाते हैं। तो उन पे जिन नहीं होगा ना, उनको प्रॉब्लम साइकेट्रिक होगी कोई तो। बिल्कुल, मगर प्रॉब्लम ये कि हम लोग ना किसी के बिलीफ सिस्टम को डायरेक्टली चैलेंज नहीं करते। अगर कोई पेशेंट आता है और वो कह रहा है कि मैं 24 घंटे करवा रहा हूँ, तो हम ये नहीं कहते कि आप नहीं करवाओ, हम कहते हैं कि ठीक है वो आप कंटिन्यू रखो, लेकिन हमसे भी इलाज करवाओ, वरना वो पेशेंट साइकेट्रिस्ट के पास से पहले भागता है, वो बाबा जी के पास कंटिन्यू रखता है। अच्छा, मैं ये हमारा एजुकेशन का प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने लाखों रुपए ज़ाया करते हैं, और आप खर्च करते हैं ऐसे लोगों पे जिनको और वो इस्लाम को भी उन्होंने एक मजाक बनाया हुआ है, रिलीजन को वो इस्तेमाल करते हैं और आपके पैसों का सौदा होता है, आपके मुस्तकबिल का सौदा होता है। तो प्लीज़ खुदा का वास्ता ऐसे आमिलों के पास जाना तर्क कीजिए। किसी के कब्ज़े में कोई जन्नत नहीं है, मैंने तो कम अज़ कम नहीं देखा, और जिनके कब्ज़े में होते हैं ना, जिनके ताबे वो होते हैं, वो आपको बताते नहीं हैं, वो आपको नज़र नहीं आते, वो लिख के नहीं लगाते आमिल फ़लाँ मेरे पास आ जाओ, महबूब आपके कदमों में, वो आपको लिख के नहीं लगाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ, लंबा वाक़या है, इसको मुख्तसर कर दूंगा, बहुत जो मेरे साथ हुआ है। कराची में डॉक्टर महविश हैं, इनको सखी हसन के कब्रिस्तान का पता होगा, आपको मालूम है ना डॉक्टर साहब सखी हसन कहाँ हैं, यू नो दैट। जी। वहाँ पर एक वाक़या मेरे साथ पेश आया था और जाहिर है ऑब्वियसली मैं उसको समझ नहीं सका कि वो क्यों था, लेकिन मेरे साथ हुआ था। मुझे कब्रिस्तान वैसे ही एक बहुत सुकून की जगह लगती है, तो अक्सर मैं फातिहा के लिए रात के अंधेरे में जाता हूँ। मैं 2 से 3 बजे के दरमियान वहाँ जाके फातिहा पढ़ता हूँ और बैठ जाता हूँ, मुझे वहाँ सुकून मिलता है जाके। तो कहने की बात क्या है कि प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, लेकिन मैंने जिसको देखा या जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो ये नहीं कह सकता कि वो मुझसे कोई तावीज़, गंडे, और फिर उसके बाद मुझे वो शख्स कभी नज़र नहीं आया। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा फ़र्क है। डॉक्टर साहब जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। अच्छा, हमारे पास ना एक पीर साहब आए, ठीक है, तो पहली दफ़ा कॉल ले लूँ मैं, कॉल के बाद जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आपका नाम? इमरान अहमद खान बात कर रहा हूँ सर, लाहौर से। जी इमरान, कैसे हैं? अच्छा सर, ऐसे है कि ये जो अभी जो अपना चल रहा है, आप कह रहे हैं कि जी जिन जो है, ये तो हकीकत है कि जिन है, बिल्कुल। और ये जो होता है कि हनूद कर जाते हैं या जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, इसका भी कुछ ऐसे है कि मेरे अपने साथ बचपन में, मुझे आज तक याद है मैं 5-6 साल का था, बचपन में मेरे साथ वाकया हुआ इस तरह के मैं दोपहर के टाइम में, बिल्कुल गर्मियाँ होती थी और बिल्कुल दोपहर का टाइम था, सूरज बिल्कुल जैसे पूरी उसकी आधी उसमें 1-1.5-2 बजे का टाइम, तो मैं यूं ही ग्राउंड की तरफ चला गया, वहाँ हम शाम को खेलते थे। मैं कहा देखूँ कि कभी कोई मतलब बच्चे खेल रहे हैं तो चलो मैं भी साथ जाके खेल। वहाँ पे इसका रेलवे का एक सिग्नल था, तो सिग्नल के पास जाके मैं खड़ा हुआ हूँ, वहाँ पे मैंने बस हाथ लगा के मैं खड़ा हो गया और उसके बाद फिर मुझे होश नहीं रहा, मुझे नहीं पता मैं वहाँ से चल के वापस किस तरह से आया हूँ। जामन का दरख्त था, वहाँ पे नीचे बैठ गया। मेरा पड़ोसी एक वहाँ से रेलवे शेड से ड्यूटी करके वापस आ रहा था 2 बजे, उसने मुझे वहाँ पे देखा तो उसने मुझे दूर से 2-3 आवाजें मारी मेरा नाम लेके, तो वो ही बताता है बाद में। तो मैं बिल्कुल आराम से बैठा हुआ, ना मैंने उसके किसी आवाज का जवाब दिया ना कुछ। वो जब मेरे करीब आया तो जो है मेरा जिस्म बुरी तरह जल रहा था, वो उसी तरह मुझे गोद में उठा के घर ले आया। अब मैंने घर आके, आप यकीन नहीं करेंगे, अपने वालिद को और घर वालों को, जो कोई मेरे सामने आता था जो है ना, मैं उनको बुरी बुरी गालियां देता था और जो है ना वो बहुत बुरा भला मैंने उनको कहा। आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? मेरी उम्र थी कोई 5-6 साल। 5-6 साल। फिर खैर बड़े भाई ने मेरे पास बैठ के सराहने पे कुरान पाक पढ़ा, वो किया। फिर उसके ही वो जो मुझे लेकर आया तो उसके वालिद ये काम करते थे थोड़ा बता जीनों का, उन्होंने कोई कुछ किया तो वालिद साहब बताते हैं, घर वाले भी बताते हैं कि वो जो है ना उसने, मैं फिर मेरी आवाज़ बड़ी चेंज हो गई थी। तो जब मैं होश में आया था सारा कुछ, जब उसने कहा कि जी हाँ अब वो चला गया, तो वो उन्होंने मुझे बताया कि भी तुमने यूं करके कहा, तुमने यूं करके गालियां दी, तुमने यूं करके अपने वालिद को बुरा भला। मैंने कहा नहीं ये कैसे हो सकता, मैंने तो कुछ नहीं कहा। चले तो अब देखें कि थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जो ये बहुत शुक्रिया इमरान, बहुत शुक्रिया। मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक बात कहूँ, बच्चे वही सीखते हैं जो उनको एनवायरनमेंट सिखाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके साथ ये वाक़या नहीं हुआ, लेकिन अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैंने आज सुबह एक बात की थी, आज सुबह मैंने देखा कि बच्चों का हाथ में उन्होंने बच्चों को पकड़ा हुआ है और बेतरतीब ट्रैफिक है, बिठाया हुआ है और उल्टी सीधी जगहों से निकल रहे हैं, आगे से भी सामने से भी। जब ये बेसब्रापन और ये बेईमानी ट्रैफिक में बच्चे सीखेंगे तो आप बच्चों से कुछ और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मेरी बात को समझिएगा, आज एक 5 साल की बच्ची, उसको आप आईपैड दे दें, वो नेविगेट कर लेती है, हर चीज़ को समझ लेती है। आज से 30 साल पहले 5 साल की बच्ची ये नहीं कर सकती थी। मैं ये नहीं कहता कि इनके साथ जो हुआ वो नहीं हुआ होगा, क्यों हुआ होगा ये एक डिबेट है। ब्रेक के बाद ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, वेलकम बैक। और अब सालगिरह का वक्त है, सालगिरह है आज नदीम अंजुम साहब की, पूरे 25 बरस के नदीम अंजुम साहब हो गए हैं। उसमें से मैंने बहुत सारे बरस निकाल दिए हैं बिकॉज आई थिंक जो उम्र दिल की होती है बस वही उम्र बतानी चाहिए। तो नदीम अंजुम साहब, नदीम की ज़रा तस्वीर लगाइएगा, लगा दीजिए नदीम भाई की तस्वीर, नदीम भाई की हसीन तस्वीर। ओह अच्छा, इन्होंने लगाई भी 25 साल पहले वाली तस्वीर। शाबाश नदीम भाई, वी लव यू फॉर दैट। अभी की तस्वीर लगाइए ना, अभी वाली कहाँ है, अभी वाली लगाइए। बट माशाल्लाह माशाल्लाह, इज जस्ट अ वंडरफुल मैन, वंडरफुल। सफर लगा रहे हैं वो, लग रहे हैं। हाँ, 25 साल का सफर पूरा ही लगा दिया उन्होंने, पुरानी तस्वीरें सारी लग। अब ये वाली, ये नदीम अंजुम साहब है, लेकिन कमाल आदमी है। मैं जेन्युइनली कहता हूँ कि मैं यहाँ रहता हूँ, लाहौर में रहता हूँ, and one of the finest people is Nadeem Anjum Saab. Happy birthday to you, my heart goes out to you, you're a true brother. और हम आपके साथ ये लिबर्टी लेते हैं कि आपके साथ हम बहुत मजाक करते हैं और आप उसको हंस के बर्दाश्त करते हैं, और we love you. लेकिन आपके अंदर कोई एक पर्सनल प्रॉब्लम भी है, आप समझते हैं। चूँकि हम टेलीविज़न पे हैं इसलिए मैं वो बातें नहीं कर रहा जो हम करते हैं आपके लिए, या आपके साथ करते हैं मिलके, आपके लिए तो नहीं, आपके साथ करते हैं बस। आप और आप हंस रहे होंगे अंदर, मुझे मालूम है, मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आ रही होगी। और मैं भाभी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, भाभी जल्दी आपको भी पता चल जाएगा कि मुस्कुराते क्यों रहते हैं। इन दिनों एक ख़ास सिलसिला है जो रवा दवा है, और किसी दिन भी आपको ये ख़बर सुनने को मिल सकती है कि नदीम भाई अब यहाँ अकेले नहीं रहे। तो बहरहाल एनीवे, तो बहुत हसीन आदमी है। हैप्पी बर्थडे, आई लव यू, आई लव यू ब्रदर, आई लव यू। ऑलराइट जी, तो हम जन्नत की बात कर रहे थे जी। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रही थी? जी बिल्कुल, अभी ये सब बात हम जो कर रहे थे कि बच्चों पे कैसे असर होता है, असल में मसला ये है कि जब दुरुस्त तशखीस नहीं होती किसी भी बीमारी की, किसी भी कंडीशन की, तो हमारा ध्यान, हमारा वहम जो है वो मुख्तलिफ़ तरह से इस पे चला जाता है। और कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि बग़ैर किसी सिम्टम के या बिल्कुल एकदम से आ जाती हैं। मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरा क्योंकि फील्ड में मैं डिसेबिलिटीज़ के साथ भी काम करती हूँ, तो एक पेरेंट्स मेरे पास आए और बड़े परेशान थे और उन्होंने कहीं बहुत ज़्यादा, जैसे अभी सब जिक्र कर रहे थे, धक्के खाते हुए मुख्तलिफ बाबाओं के पास, आमिलों के पास और मुख्तलिफ तरह से। अब केस क्या था, वो केस ये था कि उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा बिल्कुल माशाल्लाह सही सलामत पैदा हुआ, दौड़ता भागता 4-5 साल तक बिल्कुल जो है ये ठीक से चलता फिरता था, और आहिस्ता आहिस्ता हमें ये लग रहा है कि इसके जिस्म में से, टांगों में से जो है ना वो जान निकलना शुरू हो गई है। अब वो जान इस तरह से निकल रही है कि पहले इसके पाँव जो है उसमें थोड़ा सा मसला हुआ, फिर टांगों में, अब आहिस्ता आहिस्ता ये चल भी नहीं सकता, बैठना शुरू हो गया है। वो कोई 10-15 साल का हुआ तो उसके जो बाजू हैं उनमें भी जो है वो सख्त नहीं बाकी रही है, यानी वो नीचे से ऊपर की तरफ जो है। और वो उनका ये ख्याल था कि जिस भी आमिल के पास वो गए उन्होंने कहा कि वो जिन जो है ना वो कहीं जिस जगह पे ये बैठ के बचपन में पढ़ता था स्कूल में, वहाँ पे जो है ना नीचे कोई ऐसी जगह थी, कोई कब्र थी जिसमें से वो उसके ऊपर इसकी कुर्सी थी, डेस्क था और वहाँ से आ रहा था। आप ये सोचेंगे कहाँ तक लोग सोचकर प्लान करते हैं। अच्छा, जिन फारिग नहीं है ये हमारे लोग फारिग। अच्छा, अब वो केस क्या है, वो केस था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि बिल्कुल आपके मसल्स जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब वो पेरेंट्स बेचारे मासूम, कितने सालों से वो बच्चे के साथ भी, यानी बच्चा ऑलरेडी बीमारी में है, माँ बाप एक कंडीशन में है, लेकिन जब मिसगाइडेड किस तरह से, यानी अवेयरनेस का ना होना, पता ना होना कि बीमारी क्या है। उनको फिर जाहिर है उनको गाइड किया, उनको बताया कि दिस इज़ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, फिर उनको उसके ऊपर मुकम्मल तफसील बताई कि ये बीमारी ही ऐसी है, कंडीशन ही ऐसी है कि इसमें मसल जो है वो डीजनरेट होते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए। आप बजाय इसके कि बच्चे को इधर से उधर और डिफरेंट मेडिसिन देते हैं तो वो बजाय बेहतर होने के खराब हो जाता है। अच्छा, हम जो ये शो कर रहे हैं इसका मकसद भी ये है कि आप आमिलों से छुटकारा पाएं। खुदा का वास्ता, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, तो आप प्रॉपर लोगों के पास जाएं, प्रॉपर उसका इलाज कराएं। डॉक्टर महविश, आपसे पूछता हूँ, ऐसी जो चीज़ें हैं ये बेतहाशा है, जब भी कोई ऐसी चीज़ फील होती है हम आमिलों के पास भागते हैं, मतलब लोग आमिलों के पास भागते हैं और उन पर यकीन करते हैं। बीमारियों से लेकर माशी परेशानी तक, माशी परेशानी से लेकर महबूब तक, महबूब से लेकर हर चीज़ तक हम आमिलों के पास क्यों जाते हैं? देखिए, ये सारी कमजोरी ना हमारे अपने बिलीफ सिस्टम की है और हमारे माशरे के बिलीफ सिस्टम की है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ऐसा है कि हमारे एक सीनियर ने हमें बताया था कि ये जो आमिल होते हैं और ये डिफरेंट प्यालों में कुछ पड़ के फूकते हैं और पानी देते हैं और पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है उसके, तो अगर उसको फिट्स पड़ रहे हैं या जो भी उसके अबनॉर्मल बिहेवियर्स हैं कुछ देर के लिए ठीक हो जाते हैं। तो एक्चुअली आमिल लोग भी समझते हैं ये नफसियाती बीमारियां हैं और जो हमारी मेडिसिन होती हैं जिनको हम एंटीसाइकोटिक्स कहते हैं वो उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस पड़े हुए पानी में। जी। लेकिन वो पेशेंट को साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं भेजेंगे बिकॉज ये उनका ब्रेड एंड बटर है। अच्छा, तो मुझे बताइए हमारा बिहेवियर क्यों है, हम क्यों नहीं जाते राइट लोगों के पास? हमारी क्या हमारी तोहम परस्ती है, जुफल एतकादी है, क्या है, हम क्यों नहीं जाते हैं? हम इसलिए नहीं जाते बिकॉज हमारे यहाँ जो है एक तो एजुकेशन का प्रॉब्लम है और दूसरी बात है कि हम लोग ना वर्स्ट सिनेरियो को सोचते हैं और उसको चेस करते हैं। एक्चुअली जो सबसे बुरा, सबसे खराब हो सकता है ना वो, और जिसका कोई हल भी ना हो, हम लोग प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं, सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाते। और एज अ कॉम हमारे अंदर ये इशूज हैं। द थिंग इज के ये स्टिग्मा है कि अगर साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है तो पागल करार दे दी जाएगी, लेकिन जिन्नात अगर आ गए तो वो तो निकल जाएंगे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। अब वो पागल का जो स्टिग्मा है वो जिंदगी भर का है और जिन्ना के चला गया तो कम अज कम उसमें स्टिग्मेटाइज इतना नहीं होगा। साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में ना जो जिल्लत फील होती है वो कहीं ज्यादा है उस नीड से कि पेशेंट ठीक हो जाए। एक टेलीफोन कॉल है, लेट मी सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर। जी आपका नाम? सर मैं अब्बास बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अब्बास, क्या कहेंगे? सर मैं ये कहूँगा, मैंने अभी इसलिए फोन टॉपिक जैसे कॉल की है कि मैं थोड़ी देर कुछ देर पहले ना मेदे की बीमारी का शिकार हुआ था 4-5 महीने पहले। ओके। तो मैं जो भी गर्म चीज खाता था मुझे घबराहट होती थी तो मैंने कुछ शरबत वगैरह पी लिया तो आराम आया था। लेकिन अब वो अंदर से मेरे एक नफसियाती तौर पर मैं इतना डिस्टर्ब हो चुका हूँ जहनी तौर पर, यानी कि मेरे जहन से वो बीमारी नहीं निकल रही अंदर से ना, वहम नहीं निकल रहा कि अगर मैं दवाई खाई है तो मुझे ये हो जाएगा, अगर मैंने रोटी खाई है तो शरबत ना पीऊँ तो मुझे घबराहट हो जाएगी, यानी कि वहम जो अंदर का ना वो नहीं जा रहा। अच्छा ये बताइए आपकी उम्र क्या है? 29 साल है सर। कितने साल? 29 साल। और काम क्या करते हैं आप? सर मैं वापदा मुलाजिम हूँ। आप वापदा मुलाजिम हैं। शादी हो गई आपकी? जी मेरी बेटी है, एक बेटी है। और घर में कितने लोग हैं? सर घर में तो चार लोग हैं। और आप अकेले हैं जो काम करते हैं? नहीं, मैं भी भाई भी करते हैं, वो भाई बाहर होते हैं, बाकी मैं वापदा मुलाजिम गुजरने वाला हूँ। ओके। और आपको और आपकी तनख्वाह में आपका गुजारा हो जाता है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वहाँ? नहीं, वो इस लिहाज से घरेलू लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे माशी लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ना कोई घरेलू वाइफ के लिहाज से कोई प्रॉब्लम, सिर्फ और सिर्फ ना ये एक वहम नहीं है जैसे मेरा खत्म हो रहा है कि मेरी बीमारी बढ़ जाएगी, मैं हॉस्पिटल चला जाऊंगा, मेरी डेथ हो जाएगी, ये अंदर से। चले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम, ब्रेक के बाद हम पूछेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, मुझे इजाजत दीजिए एक ब्रेक लेने की, ब्रेक के बाद। सबसे पहले आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू टू गाजी साहब। गाजी साहब इस वक्त इस्लामाबाद में हैं और इस वक्त देख रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। यू हैव नो आइडिया सर हाउ मच आई लव यू। ऑनेस्टली बहुत दिल से मैं ये बात कह रहा हूँ। माई हार्ट गोज़ आउट टू यू, द सर्विसेज दैट यू आर डूइंग। और जब मैं 24 में नहीं भी था, आप इससे पहले आई थिंक 92 पे थे, 92 पे यू वर डूइंग अ शो, तब भी मैं आपका शो देखता था और मैं आज भी देखता हूँ। तो हमारे लिए बहुत सादत की बात है, बहुत खुशी की बात है। आई जेन्युइनली लव यू। और तो मेरी तरफ से थैंक यू सो वेरी मच। हमारी टीम की तरफ से आप बैठ के देख रहे हैं, हमारे लिए बहुत है। दूसरी बात, आपका पैगाम मुझ तक पहुंच गया है कि इनका शो में जाना बंद कर दें, ये प्लीज़ मत कीजिएगा, बिकॉज़ हम डेस्परेटली इनसे मोहब्बत करने लगें। तो और मैं आपको सच बताऊं, इसका क्रेडिट भी आपको जाता है। कैसे जाता है? बिकॉज़ अक्सर बैठ के मेरी नवीद से बात होती है, तो उसने मुझे बताया कि आपने किस तरह से नवीद की ज़िंदगी पर असर किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट जी, एक टेलीफोन कॉलर सादिया की, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सादिया, क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरी बेटी है, उसकी उम्र 19 साल है। ओके। तकरीबन एक हफ्ता हो गया पिछली जुमेरात से और ये अब तक ना उनकी तबीयत ऐसी है कि वो उनको ना रोना आ रहा है, बस कहती है मुझे रोना आ रहा है, रोना आ रहा है, रोए चले जा रही है और कहती है दिल घबरा रहा है मेरा, बस मेरे हाथों पैरों में जान नहीं है और भूख भी नहीं लग रही उनको ना। कुछ खा रही है, मतलब भूख लग रही है लेकिन कुछ खाया पिया नहीं जा रहा। और पिछली जुमेरात को ना ख्वाजा गरीब नवाज की छठी थी, तो उस दिन मैंने खीर बनाई थी। तो वो मैंने उनसे बंटवाई है और बस उस दिन से लेकर आज तक उनकी तबीयत ऐसी है, कहते बस मुझे रोना आ रहा है, रो रो के आंखें सुझा ली हैं, बस किस वजह से रोना आ रहा है कोई वजह भी नहीं है। अच्छा, मैं तीनों से ये पूछूंगा जल्दी जल्दी, आपकी बेटी की उम्र 19 साल है, पढ़ती हैं वो, कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं? जी कॉलेज उन्होंने अभी खत्म कर लिया, इंटर हो गया उनका ना। इंटर हो गया है, ओके ओके ठीक है जी। खैर मैं भी इन तीनों से पूछता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो देखते रहिएगा। डॉक्टर साहब और डॉक्टर महवेश, आपसे शुरू करता हूँ, बताइए क्या वजह हो सकती है? देखिए इसकी मल्टीपल वजूहत हो सकती हैं। ठीक है, इससे पहले कि मैं कोई डायग्नोसिस बताऊं या कोई कॉजेस की लिस्ट बताऊं, पेशेंट से 45 मिनट्स एटलीस्ट एक इंटरव्यू करना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, इसमें कोई इसको क्यों डिस्ट्रेस हो सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है, बचपन का कोई ट्रॉमा किसी वजह से उसको रिलीव कर रही हो वो, या फिर कोई ऐसा इशू हो सकता है जिसके से उसको कोई हार्मोनल इशूज़ हो रही हो, उसको रोना आ रहा हो, डिप्रेशन में जा रही हो, PMS हो रहा हो, ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट यही वाली बात कि पेशेंट से बात करना बहुत ज़रूरी होगा। ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी मैं ये ख्याल करता हूँ कि जो सदका और खैरात की उन्होंने बात की कि हमने पिछली जुमरात को बांटा और उसके बाद से वो बीमार हैं, मेरे ख्याल से तो सदका और खैरात करने से बीमारियाँ दूर होती हैं। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि उन्होंने अपने जहन में कोई बात सवार कर ली हो, तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान अक़दस का मफ़हूम है कि जो शख्स अपने ऊपर कोई डिप्रेशन या गम या मायूसी तारी कर लेता है तो उसका जिस्म मज़ीद मायूस बीमार होता चला जाता है। तो उन्हें अपनी उस बात पर गौर फ़िक्र करके कोई ऐसी दुआ आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि अगर तुम्हें कोई आजमाइश आए इस तरह की कि तुम समझो कि मुझ पर कुछ तारी हो गया है, तो तुम 3 बार ये पढ़ा करो, आमन्ना बिल्लाहि व रसूलिही, यानी मैं अल्लाह ताला और बिल्लाहि व रसूलिही, हाँ मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया, यानी तुम्हारा ईमान और एतिकाद जब अल्लाह ताला और उसके महबूब की ज़ात पर होगा तो इस तरह का वहम दूर हो जाएगा। अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल वो लेता हूँ, उसके बाद डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जुम्मा मुबारक। सबा मैं बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी सबा, क्या कहेंगी? मुझे भी इसी टॉपिक पर, क्योंकि आप तो बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं 24 में, मतलब ये देखिए कि एक टॉपिक को लेके माशाल्लाह पूरे प्रोग्राम को ही लिया जाता है और ऐसे ही होना चाहिए। और दूसरा मुझे मेरे भाई हैं डिसेबल जो होते हैं, जहनी मंगोल जो होते हैं ना स्पेशल पर्सन, तो उनका ये है कि उनको कुछ नहीं था। अल्लाह का शुक्र है मेच्योर हैं, ठीक है, हर चीज का सलीका है, उन्हें रिश्तों को भी पहचानते हैं, इवन कि हर किस्म की उन्हें समझ है। बस एक अल्लाह ताला ने उन्हें बनाया हुआ है कि मंगोल जो होते हैं बच्चे इस तरह के, लेकिन उनको ना कुछ टाइम से ऐसा है कि उनको एक साइड से ही पहले कुत्तों की शक्ल में नजर आना शुरू हुआ है, और अब वो कहते हैं कि बरहना लोग हैं, यानी कि लड़की भी है और आदमी भी है, और वो मुझे तंग करते हैं। और हकीकत में भी ऐसे, क्योंकि मैं कुरान पाक और नमाज की पाबंद हूँ, मैं कुरान पाक की जो सूरतें होती है यासीन शरीफ चारों कुल भाई के ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ के फूकती भी हूँ और पानी भी देती हूँ, और मुझे मतलब कि प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन मुझे अक्स नज़र आते हैं, जैसे कि वो काले से अक्स इधर से उधर हैं, और वो बेचारे को इतना तंग करते हैं कि इवन के वो ठीक थे, वो बीमार रहते हैं, मैं पढ़ के उनके ऊपर फूकती हूँ तो मेरी भी तबीयत ख़राब रहना शुरू हो गई है। वो बरहाना चीज़ें हैं जो कि उन्हें तंग भी कर रही हैं, लड़के लड़के इवन के अब तो वो कहते हैं कि इनके बच्चे भी हैं। ओके, अच्छा, आप टेलीफोन रखिए साहबा, हम बात करते हैं। जी डॉक्टर साहबा, दोनों बातें, दोनों सवालों को आप जवाब दे दीजिए। अच्छा, जो पहला सवाल था वो जो बच्ची के केस वाला था, ऑफ कोर्स ये साइकोटिक कंडीशन है, इसको हम बाज़ औक़ात कहते हैं कि उनके एक साइकोसिस का प्रोसेस है जिसके अंदर उन्हें कोई पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं, और इस एज में अक्सर कॉमन हो जाता है जब आपके पास मसरूफियत ना हो। बिल्कुल, आपको फौरी तौर पे जो है आपको साइकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट को लेना चाहिए, बिल्कुल साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए, और फिर अगर वो आपको रेफ़र करता है कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत है तो आपको साइकेट्रिस्ट पे भी रेफ़र कर सकते हैं। ये वाली जो अभी दूसरी कॉल हमारे पास आई, इसमें तो एक चीज़ बहुत क्लियर है ना, उन्होंने बताया खुद इसी के डाउन सिंड्रोम की कंडीशन है, और ऑफकोर्स डाउन सिंड्रोम्स जो हैं उनकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है या जिसको आप IQ लेवल कहते हैं वो बिलो एवरेज होता है, और इसी तरह से कोई भी सोच उनके ऊपर किसी तरह से तारी हो सकती है। लेकिन जो दूसरी बात इन्होंने की जिसमें ये ख़ुद भी महसूस करती हैं, ये जो कंडीशन है जिसमें हमें कोई और नज़र आ रहा होता है और हम ये समझते हैं कि वो कहीं कोई करैक्टर है जो कि मौजूद नहीं है। देखिए, ये हेलुसिनेशन हो सकती है जिसको हम आम जुबान में कहते हैं। इसमें होता ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो हम अपनी सारी चीज़ें परसीव कर रहे होते हैं, हमारी 5 सेंसेस जो हम परसीव करते हैं जिनसे सुनना, बोलना या हमारा जो देखना है, इनमें से कोई भी एक सेंस जो है वो उसके ऊपर हावी हो सकती है, और वो उस सेंस के ज़रिए से जो चीज़ इन्वायरमेंट में मौजूद नहीं है वो हमें महसूस होना शुरू हो जाती है, नज़र आना शुरू हो जाती है। और ये सिचुएशन जब कंजेक्टिवली हो, जैसे आपने भी जी एक चीज़ में थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँगी, अभी जैसे कुछ लोगों ने अपने वाक़ियात शेयर किए, आपने भी शेयर किया कि जिन्नात आपको किसी भी एक स्टेज पर नज़र आते हैं, होते हैं बिल्कुल, और वो कहीं एक दफ़ा आते हैं, लेकिन जो एक ये मुस्तकिल कंडीशन आ जाती है ना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जिन इतना फारिग होता होगा कि आपके साथ हर वक्त रहे। एक टेलीफोन कॉल, उसके बाद मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। एक टेलीफोन कॉल है जी, लेट्स यू दिस ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? सर जी, सर मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, और मेरा ये सवाल है साहिल भाई से कि ये जो जिन्नात का आप लोगों कहते हैं कि जिन्नात का बसेरा हो गया घरों में या कब्रिस्तानों के अंदर, तो आया ये खाली जगहों पे होता है या जिस जगह पे मखलूक खुदा रहती है उस जगह पे भी इन जिन्नात का बसेरा होता है? ठीक है अशरफ भाई, थैंक यू सो मच। जी सर बताइए। जी बिल्कुल, दोनों जगह पे जिन्नात का बसीरा हो सकता है, ज़्यादातर तो खाली जगह और वीरानों में होता है, क्योंकि हदीस तैयबा में इसी तरह जिक्र है। तो जो कॉलर्स ने बात की थी उस हवाले से रूहानियत का भी इलाज मौजूद है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल बकरा उस घर में तिलावत करने का हुक्म दिया है जिस घर में असरात महसूस होते हों। और दूसरी बात यह है कि जिन्नात का आकर नज़र आना या असरात का होना ये भी बरहक है। उस हवाले से रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअव्वज़तैन कुरान पाक की आखिरी दोनों सूरतों का और आखिरी तीनों सूरतों को भी विर्द करके फूंक कर अपने जिस्म पर पढ़ने का हुक्म दिया है। एक ज़रूरी बात भी मैं बहुत ज़रूरी जो करना चाहता हूँ, हमारी जो नौजवान नस्ल जो टीन एजर्स में अभी पहुँचे हैं ना, बच्चे टीन एजर्स हैं, उनमें ये मामलात इस वजह से भी हो रहे हैं कि मेरे अपने भांजे के साथ ये मामला हुआ कि वो एक मरतबा ना खौफ की वजह से छत से गिर गया तो उसकी टांग टूट गई। हमने उसकी जो है वो आर्थोपेडिक के पास ले गए, उसको ठीक करवाया, कुछ अरसा हुआ, दोबारा वही वाली फिर वो कहीं आ रहा था, गिर गया तो टूट गई। घर वालों ने कहा जी इसको किसी आमिल के पास ले जाते हैं, तो उन्होंने कहा जी इस पर जिन्नात का असर है ये वो। मैंने उन्हें कहा जी कि मैंने एक आमिल से फ़ोन पर बात की, तो उन्होंने कहा जी इसको जिन्नात का असर नहीं है। आप बच्चे से पूछें कि बच्चा बचपन में कोई वीडियो गेम्स वगैरह खेलता रहा है ऐसी जिसमें खौफनाक शक्लें तस्वीरें हों, तो जब हमने उसकी डिटेल हिस्ट्री ली तो पता चला कि वो जब 5 साल का था तो अब वो 14 साल का है। तो 9 साल पूरे वो ऐसी गेम्स खेलता रहा है जिसमें ड्रॉनी शक्लें वगैरह। तो अब वो उसका औरा ऐसा बन चुका है कि अब वो घर में उठते बैठते हर वक्त उसको उस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं और वो गिर जाता है कभी छत से कभी। आई एम श्योर ही इज़ गोइंग टू बी ओके। जब आप इलाज करवाते तो ठीक हो जाता है। मैं जो सादिया की जो बेटी हैं मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। बेटा यू आर 19 ईयर्स ओल्ड, आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, उससे अपने जहन में रखिएगा। बेटा बहुत सारे लोग बात नहीं करेंगे, आपको बात करने की ज़रूरत है और लोगों से बात करने की ज़रूरत है। और दुनिया में कोई भी शख्स आपके फ्यूचर पे या फ्यूचर से बड़ा नहीं हो सकता। बेटा आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आपको बात करने की ज़रूरत है। हो सकता है मेरा ये मुशाहिदा बिल्कुल गलत हो सकता है कि आप किसी डिप्रेशन से गुजर रही हूँ, लेकिन बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ। पहली बात मैंने कही आपको बात करने की ज़रूरत है ताकि पता चल सके कि अंदर क्या चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि बेटा कोई भी चीज़ आपके फ्यूचर से आपके मुस्तकबिल से बड़ी नहीं है, ख्वाह वो कैसी भी हो। और शुरू में हमें बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में हमें सब्र भी आता है और हम ठीक भी हो जाते हैं। ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? सर ठीक ठाक हैं। सर ये बताइए आपके हाथ ठंडे हो रहे हैं, जन्नत ने तो नहीं कर दिए? वेरी नाइस। ये सर आपने खुशबू बहुत अच्छी लगाई हुई आज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर ये है क्या सर? अल्फ्रेडो। अल्फ्रेडो चिकन अल्फ्रेडो? चिकन अल्फ्रेडो पास्ता। वेरी वेरी नाइस, इट्स रियली गुड, रियली कूल। अगर आपको ज़िंदगी में अच्छा खाना खाना है, बहुत अच्छा खाना खाना है, तो मेक श्योर यू विजिट मार्फा। लाहौर में है तो मार्फा ज़रूर जाएँ, और अगर लाहौर को विजिट कर रहे हैं तो भी मार्फा ज़रूर जाएँ, बिकॉज इट्स मार्फा कैफ़े इज़ द बेस्ट। और सर इसके अंदर क्या क्या डाला है? सर इसमें बेजल होता है, येलो चीज़ स्लाइस है, ओके, और प्रीचीज़ क्रीम है जो प्योर होती है, और उसके अलावा चिकन, ओके, वो पास्ता है, ओके, बस ये है। और इसमें ये रेसिपी हमें मिल जाएगी सामने, तो रेसिपी कितनी देर में बन जाती है? ये सर 10 मिनट लगते हैं इसको टोटल आफ्टर मेकिंग दिस आफ्टर बॉइलिंग दिस। वैसे तो 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम पास्ता इतना ही मिनट में होता है। सर थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद भाई। एंड ऑफ कोर्स लेट्स गो टू डॉक्टर महविश। डॉक्टर महविश 20 सेकेंड आपके पास हैं, फाइनल कोई बात कहना चाहती हैं आप कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर बुरा है तो उसको निकाल सकते हैं, और अगर कहीं ऐसा कोई चीज़ सामना हो जाए तो हम उसका मुकाबला कैसे करें? फाइनल 20 सेकेंड्स। बिल्कुल, थैंक्स यू सर मुझे मौका देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको आपके कंपैशन और एम्पैथी के लिए बहुत कांग्रेचुलेट करूँगी, इट्स वेरी रेयर एंड आई रियली थिंक इट्स वेरी कमेंडेबल। अच्छा दूसरी बात ये कि जैसे कि किसी को कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है तो उसको फ्रैक्चर्स बड़े इजीली हो सकते हैं, वी अंडरस्टैंड दैट ना। इसी तरह से एजुकेशन की कमी, घर के अच्छे माहौल की कमी, फैमिली सपोर्ट की कमी, अच्छे न्यूट्रिशन की कमी, ठीक है, ये सब भी इंसान को नफ्सियाती तौर पर कमज़ोर करती है। और फिर इस तरह के मसाइल जैसे जन्नात है, साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स हैं, ये सारा होना जो है इसका अमल बड़ा आसान हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी आम जबान में बहुत सिंपल तरीके से कि आप लोग अपने घर के माहौल को ठीक करें, आप लोग अपने आपस के कम्युनिकेशन को ठीक करें, आप लोग अच्छे एजुकेशन की तरफ अपने बच्चों को राग़ब करें, और ऐसी चीज़ें जो घर में टॉक्सिसिटी लाती हैं जैसे कि गलत मीडिया के गलत मूवीज़ हैं या वीडियोज़ और वट, वो सब चीज़ों को एरेडिकेट करें। और दूसरी बात है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाने से घबराएं नहीं, इवन अगर घर में इश्यूज हैं आप जाके बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको दवा लिख के दी जाए, लेकिन थोड़ी हेल्प मिल जाएगी तो दैट इज मोर देन एनफ समटाइम्स। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी सर। जी साहिर भाई पैगौर पे मैं आप एक बड़ी मशहूर रिवायत पढ़ते रहते हैं, उसको दूसरे तरीके से पेश करने लगा। आप कहते हैं कि मियाना रवी, एतदाल पसंदी निसफ मैशियत है। मैं ये समझता हूँ कि निसफ मैशियत के साथ साथ पूरी सेहत भी है। जिन लोगों के पास गुर्बत होती है या तो उनको इस तरह के मसाइल आ रहे होते हैं नफ्सियाती या रूहानी, या जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा दौलत होती है उनको आ रहे होते हैं। तो हमारे पास एक पीर साहब आए जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत, तो वो हमारे पास अपना नफ्सियाती चेकअप करवाने के लिए आए। जब कभी आते कभी वो खुशगवार मूड में होते, कभी डिप्रेशन में। तो हमारी डॉक्टर मिस सादिया ने उनसे पूछ लिया कि हमें समझ नहीं आती, कभी आप किसी मूड में कभी किसी में। वो कहने लगे जी जब मुझ पे अल्लाह की रहमत होती है तो मेरे डेरे पे बड़े मुरीद आते हैं, तो मेरी पूरी मुरीदी चलती है, तो उस वक्त मैं खुशहाल होता हूँ, और जब मुझे मेरे मुरीद आना कम हो जाते हैं और मेरा रोज़गार थोड़ा कम हो जाता है तो मैं डिप्रेशन में। थैंक यू जी, वेरी क्विकली डॉक्टर साहब, बिल्कुल टाइम नहीं है, 10 सेकेंड। जी मेरे ख्याल में बात करना बहुत ज़रूरी है, और ऑल दो वी हैव सो मैनी रिलेशनशिप्स, हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, बहन भाई, स्पाउस, सिबलिंग्स, बहुत सारे लोग, बेस्ट फ्रेंड्स भी, बट वी कैन नॉट टॉक एवरी थिंग टू दैम बिकॉज वी थिंक दैट वी आर बीइंग जज्ड. So we really need to talk, or you can say that we need to speak our heart out. So कोई ना कोई ऐसा ढूंढे जिससे आप बात कर सकें. आपको सिर्फ एक टिप दे रहा हूँ, अगर कोई ना मिले बात करने को तो लिखना शुरू कर दें अपने आप को. Trust me, it helps. जिएं और जीने दें. मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए खुदा हाफिज़.